नमस्कार, मेरा नाम शिवांशु कुमार है और आप मुजफ्फरपुर नाउ देख रहे हैं। क्या अभी आप टिकटॉक अपने फ़ोन में रखे हुए हैं? अगर रखे हुए हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आप अपने फ़ोन में अभी भी टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं तो आपको अपने जीवन पे धिक्कार होना चाहिए, क्योंकि सरहद पे जो वहाँ पे 20 जवान शहीद हुए, उन्होंने आपका ठेका नहीं ले रखा है, आपके नौकर नहीं हैं। वहां पे जो लोग खड़े हैं वो हिंदुस्तान के लिए हैं, उनकी जान हिंदुस्तान है, लेकिन शायद जिन्होंने टिकटॉक अभी तक बंद नहीं किया है, शायद उनके लिए टिकटॉक जान है। हिंदुस्तान आपको कोसेगा अगर आप टिकटॉक अभी भी यूज कर रहे हैं। टिकटॉक पे बड़ी बड़ी बातें करने से कोई बहुत बड़ा देशभक्त नहीं हो जाता। टिकटॉक में क्या होता है, पीछे बैकग्राउंड चलता रहता है और आगे हम डायलॉग मारते रहते हैं। डायलॉग अपना भी नहीं होता, वो भी बैकग्राउंड ही होता है, हमारा कंटेंट कुछ नहीं होता, बस हम मुंह चलाते हैं। तो उसमें क्या होता है, लोग कहते हैं कि वाह वाह, तुम तो बहुत बड़े सुपरस्टार हो गए। टिकटॉक पे सुपरस्टार बनने में और सरहद पे सुपरस्टार बनने में बहुत फर्क होता है मेरे भाई। सरहद पे सच में गोलियां चलती हैं, बारूद के गोले चलते हैं, जब सैनिक मरते हैं तब पता चलता है। टिकटॉक पे वीडियो बनाने से कोई बहुत बड़ा तीसमार खान नहीं बन जाता, कुछ फॉलोअर्स होते हैं, लाइक्स होते हैं और उसमें काम खत्म। मैं आपको टिकटॉक के बारे में क्यों इतना बोल रहा हूँ, क्यों कोस रहा हूँ कि आप टिकटॉक चलाते हैं, इसलिए कोस रहा हूँ कि भैया टिकटॉक चाइनीज ऐप है और हो सकता है कि टिकटॉक आपका डेटा लीक करे। हो सकता है कि सुरक्षा एजेंसीज का ये मानना है कि हो सकता है कि टिकटॉक, जूम, हेलो, एपलॉक, ये जितने भी 52 जितने भी आपके चाइनीज ऐप हैं, वो कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से अगर उसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो भारत के लिए घातक है। लेकिन कई लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, बहुत लोग। मुजफ्फरपुर नाउ एक अभियान चलाया हुआ है, मैंने एक अभियान चलाया हुआ है कि मैं लोगों से मिल के चाइनीज ऐप डिलीट करवाता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टिकटॉक एक चाइनीज ऐप है, उसका बहिष्कार करना आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी है, चाहे आप उसको माने चाहे नहीं माने। जिस तरीके से धर्म अपने कर्तव्य का पालन वहाँ पे बॉर्डर पे हमारे सुरक्षा बल कर रहे हैं, उस तरीके से देश के अंदर में रह के आपको भी अपना धर्म निभाना होगा। चाहे आप टिकटॉक छोड़िए, चाइनीज कोई भी 52 चाइनीज ऐप्स के नाम हैं, नेट पे सर्च करिएगा तो 52 चाइनीज ऐप्स के नाम आपको आ जाएंगे। आपको उसमें से किसी भी ऐप को नहीं यूज़ करना है। तो रहा सवाल अगर चाइनीज ऐप का, तो उसका भी आपको बहिष्कार करना है। अगर आप उसका बहिष्कार करिएगा तो इकोनॉमी पे बहुत फर्क पड़ेगा, ये आपको इस चीज़ को समझना होगा। मैंने अपने फ़ोन से सभी चाइनीज ऐप को हटा दिया है और अब आपकी बारी है। मैंने अपने फ़ोन के सारे चाइनीज ऐप को हटा दिया है, अब आपकी बारी है। मैंने अपने फ़ोन से सारे चाइनीज ऐप को हटा दिया है, तो आपकी बारी है, चलो शुरू हो जाओ। मैंने अपने फ़ोन से सभी चाइनीज ऐप्स को हटा दिया है, अब आपकी बारी है। मैंने अपने फ़ोन से सभी चाइनीज ऐप को हटा दिया, अब आपकी बारी है। जितने भी चाइनीज ऐप जो कल तक आपके फ़ोन में थे, वो आज आप अपने फ़ोन से डिलीट कर दीजिए, क्योंकि सुरक्षा एजेंसीज का ये मानना है कि ये डेटा कहीं ना कहीं लीक करती है। और ये कुछ ऐप्स हैं जो काफ़ी फेमस हैं, जो हर किसी के फ़ोन में होता है, जैसे टिकटॉक हो गया, आपका हेलो हो गया, शेरिट हो गया, ऐप लॉक हो गया, जूम हो गया। इन सब चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, इसको आप अपने फ़ोन से डिलीट ज़रूर करें।